जिला तरन तारण के अधीन पेंदे पिंड पूला विखे शहीद भाई तारू सिंह जी के 300 साल जन्म दिहाड़ा शताब्दी मनाने संबंधी मीटिंग की गई। मीटिंग दौरान पत्रकारों नाल गलबात करदे भाई मनजीत सिंह ने कहा कि शहीद भाई तारू सिंह जी के सालाना जन्म दिहाड़े नूं मनाने वास्ते तैयारियां आरंभ कर दित्तियां गईआं हन अते इस संबंध विच मीटिंग की गई है। सारे इलाके नूं बेनती करन वास्ते आए हैं कि शहीद भाई तारू सिंह का सालाना जिहड़ा जन्म दिहाड़ा है शताब्दी है उसनू मनाउण वास्ते जिहड़ियां तैयारियां आरंभ कर दित्तियां ने और अज प्रचारक साहिबाना दियां और इस तरह कमिश्नर साहिबाना दियां और ढाडी साहिबाना दियां ड्यूटियां जिहड़ियां ने वह श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों जिहड़ियां वह लगाईआं गईआं ने और यह प्रोग्राम जिहड़ा है इन बहुत वड्डे लैवल ते घर घर लैके जाण वास्ते और जिहड़े खास करके सिक्खी तो परे चले गए नौजवान उन्हां नूं दुबारा सिक्खी विच लिआउण वास्ते और दाड़ा ते केस रखाउण वास्ते दाड़ा केस सिक्खी सिदक विच जिहड़ा पूरा करन वास्ते अमृतधारी बनाउण वास्ते एक अज मुहिम जिहड़ी आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वल्लों शुरू की गई है क्योंकि जदों भी कोई शताब्दी मनाई जाती है तो उस तो पहला उहदियां तैयारियां वास्ते इत्थे जायजा लिया गया कि केड़े केड़े प्रबंध करने आ और किस तरह सारे प्रोग्राम नूं लीकना है किस तरह पंडाल दी करनी है किस तरह लंगर साहिबाना का प्रबंध करना है और किस तरह संगत नूं इहदे वास्ते प्रेरना है और घर घर जा के जिहड़ा है वह नारा मेरा सिर जावे तां जावे मेरा सिखी सिदक ना जावे जो नारा भाई तारू सिंह जी ने लाहौर विखे जदों उन्हां दी शहीदी होण लगी सी तां उन्हां ने वह नारा दिता सी उस नारे नूं अज घर घर पहुँचाउण दी जिहड़ी आ वह बहुत वड्डी लोड़ है ते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ी सिखां दी सर्वोच्च संस्था ये हमेशा ही सिक्खी दे प्रचार वास्ते प्रसार वास्ते ते चढ़दी कला वास्ते तत्पर रहिंदी है और जिन्नियां वी शताब्दियां आईआं ने वह बहुत जोशो खरोश के नाल मनाईया गई जिस तरह आपां साढ़े 500 साल धन धन श्री गुरु नानक देव पातशाह जी का सुल्तानपुर लोधी गुरद्वारा बेर साहब विखे मनाया और इस तरह होर शताब्दियां भी मनाईया ने आने वाले समय में भी मनाईया ने। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का संपूर्णता दिवस तख्त श्री दमदमा साहब विखे धूमधाम मनाया गया। इस मौके श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के भोग पाने उपरंत कथा कीर्तन किए गए जिस विच श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह अते श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल समेत श्रोमणी कमेटी मैंबर ने उचेचे तौर उत्ते शमूलियत की। जिथे पावन पुरब देश विदेश दे विच सिख संगतां वल्लों मनाया जा रहा उत्थे तख्त श्री दमदमा साहब के स्थान के उत्ते हर साल की तरह इस साल भी ये पावन पुरब श्रद्धा उत्साह पावना सहित मनाया जा रहा। बेशक इस बार कोरोना वायरस कारण सरकार वालों जो पाबंदियां ने या सेहत महकमे दियां जो हदायतां ने उहदे अनुसार बहुता घट संभव नहीं हो सकिया लेकिन फिर भी दीवान सज्जन ने श्री अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई है। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी की हजूरी रागी जत्था ने कीर्तन किया सिंह साहब ज्ञानी मान सिंह जी ने कथा विचार की है। ये वो पुरब है जदों धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने इस अस्थान के उत्ते भाई मनी सिंह जी को लिखारी ला के श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी को संपूर्णता बख्शी और मौजूदा तरतीब के अनुसार श्री गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह की पावन बाणी में शामिल किया। अज जरूरत इस गल की है कि असी सारे रल मिल के श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के महान उपदेशों महान फलसफिया अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। समाज के जो अफरा तफरी का माहौल है नशे ने खुदकुशियां का रुझान है इन सारिया समस्यावान का एको हल है कि गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की विचारधारा अपनाइए। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी।